दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल नेशनल गेमिंग पर। हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और जो मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि हम शॉर्ट आउट देंगे, और हमारी पहली कमेंट आई है ओम हैक के नाम से। इसका हमारी पहली कमेंट को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। ना हेलमेट पहन लेते हैं। और ये आपको याद ही होगा लास्ट टाइम के हैक के अंदर क्या हुआ था। तो इस हैक के अंदर हम बहुत ज्यादा माइंड फिर मुझे पता चला कि जब हमें कम से कम इसमें ऑलमोस्ट 100 माइनक्राफ्ट ऐड करनी पड़ेंगे तब जाके सर्कल बनेगा। तो पहले मैं माइनक्राफ्ट ऐड कर देता हूँ। इतनी माइनक्राफ्ट बहुत हैं। देखो बस कूदना है। ओ भाई मैंने रेल नहीं तोड़ी थी, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी सी और माइनक्राफ्ट चली गई। वो देखो फिर से करते हैं इसको। माइन कार्ड चली थी, मैं रेल तोड़ना भूल गया था, ध्यान भूल गया था कि रेल तोड़नी पड़ेगी। स्पॉन करते हैं रेल्स। इतनी बहुत होंगी, थोड़ी सी कमी, इसको तोड़ दो पहले, बस अब ठीक है। ऐसे सबसे पहले मेरे को जाना है। हाँ ये थोड़ी कम है, स्पॉन हुई है पिछली बार से। सर्कल बन गया माइनक्राफ्ट में, ऐसा ही सर्कल बन सकता है। उसको तोड़ना है, जाना है, तो थोड़ा पुश करना है, बैठना है, फिर पुश कर देते हैं। वो देखो हम एंडर पल्स फेंकते फेंकते जाएंगे। इतनी सारी माइंड कार्ड्स जा रही हैं। और हमारा अगला टिकटॉक है जिसमें हम बनाएंगे एक ट्री फार्म, जिसके लिए सबसे पहले हम ओक और हम ब्रिज की सैपलिंग ले सकते हैं, क्योंकि बाकी की सैपलिंग्स लेंगे को वो थोड़े सीधे नहीं होते, इसलिए मैं उनकी सैपलिंग्स नहीं लूंगा, फिर पेड़ सीधे नहीं होते। हमें चाहिए कुछ पिस्टन, थोड़ा सा रेडस्टोन, ऑब्जर्वर और थोड़े से रिपीटर। रिपीटर रेडस्टोन लेना करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर ऐसे में डिस्पेंसर भी चाहिए, लीवर भी, एक रेस्टोरेंट टॉर्च भी।
मैंने डिस्पेंसर नहीं लिया ना, ये डिस्पेंसर हम अनकार्ड की जगह ले लेते हैं। ये डिस्पेंसर को रखना है पहले हमें यहाँ पे, इसके ऊपर रखना है एक लेवर, फिर इसके पीछे कोई सा ही ब्लॉक रख सकते हैं, तो मैं ले लेता हूँ लाइट। ये लाइट वाला ब्लॉक मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। फिर हमें इसके ऊपर रखना है रेड स्टोन, इधर रेड स्टोन, इधर रेड स्टोन, इधर रेड स्टोन। फिर हमें इसके यहाँ पे लगानी है टॉर्च, और इसके अंदर हमें बोन मील बनना है। उससे पहले पिन को रेस्टोन से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे रखना है हमें एक ऑब्जर्वर, जिसको इस साइड से रखना है। हाँ, और हमें इसको पीछे लेके जाना है। और यहाँ से भी, और अब हमें यहाँ पे रेस्टोन लगाना है। चेक कर लो अगर मैं इसके सामने कोई ब्लॉक रख रहा हूँ, काम करेगा इस टाइम। दो काम किए मेरे को, यहाँ से इसको नीचे भी लेके जाना है। अब यहाँ पे रेस्टोनिंग कर देनी है। और अगर यहाँ पे मैं कोई ब्लॉक रखता हूँ तो सारे काम किए। अब हमें उससे पहले मेरे को चाहिए ग्रास ब्लॉक। ग्रास ब्लॉक और हमें चाहिए थोड़ा सा बोन मील। रिपीटर हम चाहे तो लगा भी सकते हो, नहीं भी तो मैं रिपीटर नहीं लगाऊंगा। तो हमें यहाँ पे रखना है सैपले, पहले यहाँ पे रखना है ब्लॉक, उसके ऊपर रखना है सैपलिंग। अगर मैं इस पे बोन मील मारू तो क्या? हाँ, तो इससे हमें और बाकी की सैपलिंग भी मिल जाएंगे। और इसके अंदर हमें रखना है, उसके अंदर बोन मिल भर देना है। और यहाँ पे रखना है एक सैपलिंग, और यहाँ पे इसको ऑन करके पीछे हट जाना है। देखो मेरा काम करता रहेगा। को बंद करना है। रुको, मैंने एक चीज का ध्यान नहीं दिया, पहले मैं सबकी वुड तोड़ देता हूँ तो बहुत जल्दी कर जाएंगे, क्योंकि मेरी रैंडम टिक स्पीड बहुत ज्यादा है इस वर्ल्ड में। हम गेम रूल में जाके बढ़ा सकते हैं।
जिससे हमें स्टिक्स भी मिल जाएंगे एप्पल्स भी। मुझे क्या करना था कि मुझे इसके ऊपर 3 ब्लॉक लेके जाना था, 1 2 3, और यहाँ पे कोई सा भी ब्लॉक रख देना था, उनको तोड़ देना है। इससे क्या होगा कि बड़े वाले पेड़ नहीं होंगे। वो गया था, अब मुझे समझ हमारे 13 पेड़ इससे एक बार में उग जाएंगे। प्रोसेस स्लो करना था, हम रिपीटर भी लगा सकते हैं ऊपर। और इससे हमारे मेगा से ये हमारा लास्ट पेड़ होगा। नहीं, और पेड़ अभी लगा सकते हैं। और अब जाके हमें ये बंद कर देना है। और देखना हमारे 13 पेड़, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे 13 पेड़ एक साथ हम उगा सकते हैं इसे। और अगर मैं यहाँ से सारी वुड हटा दूंगा तो हमें वापस से सारी सैपलिंग्स मिल जाएंगी। ये फायदा है इस ट्री फार्म का कि वापस हमें सैपलिंग्स भी मिल जाएंगी। बैम्बू वाला फार्म अभी भी काम कर रहा है। इसके अंदर चाहे तो बोन मील भर सकते हैं, इसलिए मैंने ये डिस्पेंसर यहाँ पे रखा। लेकिन अगर आप लोगों की रैंडम वर्ल्ड की रैंडम टिक स्पीड ज़्यादा है तो रखने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा मैंने दिया। फिर तो होम है का वो शॉर्ट आउट दे देते हैं। मैं चाहता हूँ कि माइनक्राफ्ट के अलावा और कोई सीरीज भी हम इस चैनल पे शुरू करें, तो उसके लिए मुझे सजेशन किया कि कौन सी सीरीज हम शुरू करें।
से गेम की, तो हाँ लेकिन एक बात हमें जी देखा कि फिर नहीं शुरू करना चाहता है अभी, वो मैं 100 सब्सक्राइबर से बात ही करूँगा। हमें कमेंट में जरूर बताना हम कौन सी सीरीज शुरू करते हैं। काम तो बहुत बढ़िया है, काम कर रहा हूँ। और एक चीज और, नहीं जी मेरे को, और अब हमें करना है ये, हमें पूरे ऑब्जर्वर जो वहाँ हमें चाहिए ड्रॉपर, और मेरी सर्वाइवल सीरीज खत्म हो गई है, वो मैं तब स्टार्ट करूंगा क्योंकि आपको पता है कि 1.17 का केवन, 1.17 मतलब केवन का फेड आने वाला है, और इसलिए मैं उस सीरीज को बाद में काम करता हुआ डस्टबिन बनाया, तो आपके लिए हमें चाहिए पेंटिंग, और कैक्टस, और ट्रैप डोर, और ट्रैप डोर कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं अब इसमें सारे एंडरपॉल खत्म भी हो गए, अब आते रहते बकवास फालतू होगा। तो अब हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे पहले कैक्टस रखना है, चाहे सैंड तो ना सैंड पे रखा करना सैंड, इसका टेक्सचर लगभग सेम ही है, ज्यादा पता नहीं चलता। अब हमें क्या करना है कि हमें पेंटिंग रख देनी है इधर से, इधर से, इधर से, और इधर से, और उसके ऊपर मेरे को ट्रैप डोर रख देता हूँ ताकि उगे ना, और स्पीड ज्यादा उसी वजह से, और अगर डस्टबिन खोलना है मैं जैसे यहाँ पे कुछ फेंकता हूँ गायब हो जाएगा। इतने सारे एंड्रोपल्स हैं जैसे मैं यहाँ पे फेंकूंगा, नहीं मेरी इन्वेंटरी में जा रहे हैं, ये सारे हो जा रहे हैं गायब, मेरी इन्वेंटरी में भी नहीं जा रही है। देखो 16 एंड्रोपल्स, ये देखो क्यू प्रेस किया सारे काया, देखो इन्वेंटरी में भी नहीं है और यहाँ पे भी एक भी नहीं है, ये देखो सारे हो गए गायब।
और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। और एक और चीज, अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जरूर बताना आपको सबसे बढ़िया टिकटॉक कौन सा लगा आज की वीडियो का। और जिसकी कमेंट सबसे पहले आएगी मैं उसे शाउट आउट भी दूंगा, तो उसका भी ध्यान रखना। तो गुड बाय।